हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हमारी वीडियो पर। मैं हूं सलमान और आज हम बात करेंगे गूगल ने बढ़ाई व्हाट्सएप की टेंशन, क्रोम ब्राउज़र से होगी वीडियो कॉलिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन चल रहा है। इसके कारण यूज़र ऑफिस मीटिंग और दोस्तों से कनेक्ट होने के लिए वीडियो कॉलिंग ऐप्स का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। यूजर्स को बेस्ट वीडियो कॉलिंग एक्सपीरियंस देने के लिए आजकल गूगल और व्हाट्सएप में तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। बेस्ट बनने की रेस में आगे निकलने के लिए गूगल ने अब अपने ग्लोबल यूजर्स को क्रोम ब्राउज़र में वीडियो कॉलिंग फीचर देने का फैसला किया है। नए फीचर के आने के बाद गूगल ड्यू कॉल को सीधे क्रोम ब्राउज़र से ही स्टार्ट किया जा सकेगा। कंपनी इस फीचर को अभी केवल प्रीव्यू वर्जन में ही उपलब्ध करा रही है। इस फीचर को स्टेबल वर्जन में ऑफर करने से इसका बीटा टेस्ट करेगी। गूगल क्रोम को इस वक्त दुनिया के 67% डेस्कटॉप यूजर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में वीडियो कॉलिंग फीचर के आने से इसकी पॉपुलैरिटी में और तेजी से इजाफा होने की उम्मीद है। इन दोनों कंपनियों की कोशिश है कि वे अपने वीडियो कॉलिंग फीचर में एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने की सहूलियत दे। गूगल की कोशिश है कि वह अब अपने क्रोम ब्राउज़र को एक वीडियो कॉलिंग ऐप्स की तरह भी ऑफर करें। कुछ दिन पहले व्हाट्सएप ने एक अपडेट के जरिए अपने वीडियो कॉलिंग लिमिट को 4 से बढ़ाकर 8 कर दिया था। इसके जवाब में गूगल ने अपनी वीडियो कॉलिंग सर्विस गूगल ड्यू में एक साथ कनेक्ट होने वाले यूजर की संख्या को 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया था। वीडियो कॉलिंग ऐप्स के कैटेगरी में गूगल मीट की आजकल काफ़ी चर्चा चल रही है। हाल ही में कंपनी ने इस सर्विस को सभी यूज़र के लिए फ्री कर दिया था। गूगल मीट के जरिए एक बार में 100 लोगों के साथ वीडियो कॉलिंग की जा सकती है। गूगल मीट की पॉपुलैरिटी देखते हुए फेसबुक ने भी मैसेंजर रूम सर्विस लॉन्च करने की प्लानिंग शुरू कर दी है। मैसेंजर रूम में एक बार में 50 लोगों से कनेक्ट हुआ जा सकता है। तो दोस्तों, आपका आइडिया लग ही गया होगा गूगल ने क्यों बढ़ा दिया है व्हाट्सएप की टेंशन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे एक और नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।